अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट है। लास्ट वीडियो में हमने इंटीरियर पॉइंट फाइंड करने के तरीके देखे, आज हम देखेंगे कि एक्सटीरियर पॉइंट कैसे फाइंड ईजिली किया जा सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, एक्सटीरियर पॉइंट के लिए सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि क्या होती है। कि अगर आपके पास एक्स और टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो, ए एक्स का सबसेट होना चाहिए और ए के अगर हम वो वाले पॉइंट्स लें वो क्या हो, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ओपन सेट, वो तमाम के तमाम क्या होने चाहिए, ओपन सेट में एग्जिस्ट करने चाहिए और वो तमाम ओपन सेट ए कम्प्लीमेंट के क्या होने चाहिए, सबसेट होने चाहिए, तो तब ये एक्सटीरियर पॉइंट होगा। अच्छा, इस चीज़ को करने से पहले आपको लास्ट टॉपिक में याद होगा हमने इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी। वहाँ पे हमने देखा था कि इंटीरियर पॉइंट कौन से होते हैं, उसमें और इसमें डिफरेंस भी मैं आपको बता दूँ। उसमें हमने ए सेट लिया था और यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट सेट ले रहे हैं। तो आप देखें, सिंपल, आपके पास अगर तीन सेट्स दे दिए गए, एक एक्स सेट है, हमारे पास ए सेट इसका क्या है, सबसेट है। हमने इसके अब एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड करने हैं। तो अब आप देखें, इसके चंद टॉप यानी स्टेप्स फॉलो करें तो इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है इसके लिए, अब हमें ए कम्प्लीमेंट सबसे पहले फाइंड कर लेना है। जब भी आपने किसी भी सेट के एक्सटीरियर पॉइंट मालूम करने हो, आप उसका कम्प्लीमेंट मालूम करें। अब कम्प्लीमेंट क्या है, एक्स माइनस ए होगा, तो टू थ्री और फोर इसमें और इसमें देखें वन एलिमेंट है, तो वन हमारा आंसर आ। अब आप क्या करेंगे, ए के एलिमेंट्स, ए कम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, बारी बारी देखेंगे कि ये टोपोलॉजी के किस एलिमेंट को एग्जिस्ट करते हैं। अब देखें, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आया वन को, आप देखेंगे टोपोलॉजी के किस सेट को एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जिस सेट में ये मौजूद है। तो ये फर्स्ट इसमें मौजूद है, आप कह सकते हैं वन जो है वो बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजी के इस ओपन सेट को। और ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए टोपोलॉजी के तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं। तो हमने इसके एलिमेंट को देखना है वो किस ओपन सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही जिस सेट में आता है वो यहाँ लिख लें। लिखने के बाद अब आपने क्या चेक करना है, क्या वो ओपन सेट, यू से मतलब ओपन सेट है, क्या वो ओपन सेट क्या एक कम्प्लीमेंट का, यानी ये जो है इसका क्या होना चाहिए, हमारे पास एक क्या होना चाहिए, ये इसका सबसेट हमने चेक करना है ए कम्प्लीमेंट का। तो देखें वन इसका सबसेट बन रहा है ए कम्प्लीमेंट का। तो अगर ये कम्प्लीमेंट का सबसेट बन रहा है तो जो वन होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए होगा। एक्सटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया है। तो सिंपल मेथड है, आप जब भी एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड करना है आप ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करें, उसके बाद उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनको बारी बारी चेक करें वो टा के किस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, वो जिस सेट में बिलोंग कर रहे हैं उसको देख लें क्या वो सबसेट है ए कम्प्लीमेंट का। अगर वो सबसेट है तो वो वाले पॉइंट एक्सटीरियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। थैंक यू।